Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. तो कैसे हैं सब उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अच्छा जितने मेरे अगर कैंडी मेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज हम हाजिर हैं न्यू फूड रेसिपी के साथ। और आज फूड ब्लॉग आज का जो रेसिपी है वो मेरी वाइफ बनाने वाली है, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे भैया आपकी वाइफ को जो ना क्या बोलते हैं कुकिंग आती नहीं है, कभी उसको बनाते हुए देखा नहीं है, सिर्फ फातिमा भाभी बनाती है, आपकी वाइफ ने कभी भी नहीं बनाई, उसको आता ही नहीं है। तो उधर मूसा भी असर है। तो खैर जो ना आज मेरी वाइफ कुकिंग व्लॉग करेगी, मैं शूट करूंगा और जो ना क्या रेसिपी बना रही है जो भी है फिर आपको दिखाते हैं और आप जज। तो अभी सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, टमाटर है, अदरक है, लहसुन है, ग्रीन चिल्ली है और इधर इसके मसाले आ जाते हैं। और भी ये क्या बन रहे आज? बन रहा है पनीर बटर मसाला। पनीर बटर मसाला बन रहा है, तो कैसे बनेगा अभी, इसके बाद क्या करना है आपने? तो अभी ये है ना टमाटर और इन सब चीजों को ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करने के बाद फिर बताती हूँ कि आगे क्या क्या करना है, पूरी फिर रेसिपी शेयर करेंगे। ये ना सबसे पहले हम ये डालेंगे ग्राइंडर में, उसके बाद अब ये मसाले भी इसी में देंगे। हाँ पहली बार देख रहा हूँ, चलो अच्छा में भी मैं ऐसे ही डालता हूँ। यहाँ पे अभी है काजू, इनको भी है ना ग्राइंड करने, ये मैंने गर्म पानी में ना थोड़ी देर भिगो के रखे थे। और ये पानी नहीं डालना है, काजू है ना निकाल के वो डालने हैं इसमें। ये ना पानी वगैरह कुछ नहीं डालना, बस जैसे सब थोड़ा ऐसे डाल के ना ग्राइंड करना है पानी। तो अभी यहाँ पर चूल्हा जला दिया और ये वाइट वाइट क्यों हो रहा है? वो धोया था ना तो पानी खड़ा था, ऊपर से उठा दिया। अभी इसमें जाएगा बटर और ये बटर में ही बनेगा। तो घी है ना जो इस्तेमाल करना चाहे वो थोड़ा कर सकते, लेकिन मैं पूरा ना बटर ही डाल रही हूँ। सही है, गुड गुड गुड, इसको पूरा मेल्ट कर रही है। सही है। तो ये बटर को इसने यहाँ पर काफी हद तक ना मेल्ट कर लिया। तो अभी जो मैंने ये मसाला बनाया था ना, तो वो मसाला नहीं ग्रेवी बोलते हैं। हाँ चलो जो भी है। अच्छा मैं निकाल। और गाइस इसके अंदर ना हम लोगों ने ना पानी मतलब बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, तो अभी ये सारे इसके अंदर ना बनाएंगे। तो वो यहाँ पे ना अभी इसको मैं अच्छे से ना पका लूँ, जब ये अच्छे से पक जाएगा ना उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो अभी यहाँ पे इसने जो है ग्रेवी जो है ऑलमोस्ट तैयार कर ली है और मूसा रो रहा था मैं उसको संभालेंगे, तो फिर यही पीछे बन क्या कर रही है। अभी और क्या करना है भाई? अभी इसके बाद ना जो हमारी चीज़ है उसको है ना फ्राई करेंगे। अभी ये रेडी हो चुकी है, क्योंकि ये देखिए जो बटर था वो ऊपर आ चुका है, तो इसका मतलब हमारी ये जो ग्रेवी थी मतलब ये रेडी हो चुकी है, हमारा पेस्ट जो था। अभी इसको क्या करना है? अभी इसको है ना अलग से रखते हैं और अभी चीज़ की तरफ चलते हैं। तो अभी ग्रेवी इसमें से निकाल ली, अब इसको धो के ना अभी इसको ना क्या बोलते हैं, वैसे नहीं धोते तो खैर थी ना, क्योंकि इसी में तो बनना था। खैर अभी जो ना इसको धो लिए और अभी इसको फिर सुखा रहे हैं, इसके अंदर फिर से बटर जा रहा है, तो अभी बटर इसके अंदर ऐड कर दिया है, बस इतना बटर जाएगा। चलिए जब तक मैं इसको बटर डाल लेता हूँ, देखते हैं कि भाई आज मेरी वाइफ क्या बनाने वाली है। तो अभी पनीर इसमें जो ना इसके अंदर ऐड कर दिया है अभी, और अभी क्या करना है भाई? के बाद है ना मिर्च। अबे ये मेल्ट क्यों जा रही है? वही तो मैं सोच रही हूँ, ये क्या पनीर तो मेल्ट नहीं होती। देखो चीज तो नहीं ले आया, डब्बा लेके आया। वाओ बस तुम जब काट ये अब आपकी गलती है, ये कोई ना कहे कि सुमेरा की है, तो मैंने पनीर कहा था ये चीज ले, बस अब चीज तुमने काट दी, तुम्हें दोस्त नहीं खाई दिया। नहीं बस गाइस हमारी रेसिपी जना माशाल्लाह से ऑलमोस्ट रेडी मोए हो गया रेसिपी के साथ, और क्या ही जबरदस्त रेसिपी बनी है। अब है भाई साहब क्या ही, वाह 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 वाह। अभी इसका क्या करेंगे? अच्छा इसको तो साइड पर करो, अभी क्या करना है इसका? तो अभी मैं दूसरी चीज ले आया था, इसको बोलते हैं कॉटेज चीज, जो कि पहले मैं लाया था मोजरेला चीज, नहीं कौन सा लाया था, चेडर चीज लेके आ गया था। और इस पनीर को बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये देख कॉटेज के ऊपर पनीर लिखा होता है, नहीं लिखा होता ना, कहाँ लिखा होता है, कॉटेज सॉफ्ट चीज इसको ये बोलते हैं। तो खैर अभी बटर को मेल्ट किए फिर से और फिर से इसके डाले, अल्लाह के वास्ते अभी ये ना मेल्ट हो जाए, मैंने जो इसके बाद रेसिपी बने सारा नुकसान हो रहा था पैसे पे पैसे, ये नहीं होगी असल चीज़ है, मैंने उनसे 10 बार पूछा, मैं चीज़ ही है ना बोलते हैं चीज़ ही, हाँ पनीर ही है ना ये, क्या बस सूखे सूखे ऐसे तो ऐसे करोगे खुदा के लिए भाई, बना ले अभी तो बना ले बस, वैसे भी शेम शेम हो गई है मेरी। तो अभी इसके अंदर ऐड करने लगी है कश्मीरी लाल मिर्च हल्की सी, और गैस ये जो ना अभी क्या लाल मिर्च डाल के ना अभी इसे थोड़ा सा पकाना है, पकाने के बाद फिर है ना ग्रेवी और मसाला बनेगा उसमें, फिर है ना वो भी ऐड करेंगे। ख्याल करना ये भी मेल्ट ना हो, चौड़ा है ना अभी काम है हमारा,
तो अभी है ना ये देखे लाइट ब्राउन हो चुका है, पक चुका है, अभी इसे निकालते हैं यहाँ से। गया बटर, अभी हम डालेंगे जीरा और उसके बाद इलायची, अभी इसमें जाएगी मिर्ची, क्योंकि अभी इसके अंदर ग्रीन चिली हमने ऐड कर दिए, और अभी इसमें जाएंगे क्या जाएंगे भाई, प्याज। सही है, चलो अभी इसको मिक्स करो। तो अभी इसमें डल रही है हल्दी पाउडर थोड़ी सी, और अभी फिर से इसके अंदर डल रही है हल्की सी लाल मिर्ची, बस कर दे भाई बस। और गए तो मेरी वाइफ अभी इसके अंदर ऐड करने लगी है नमक, और चम्मच मैं खुद ही चला रहा हूँ। सही है भाई, ये भी सही है। अभी है ना यहाँ पे हल्के से ना ब्राउन हो जाए, उसके बाद है ना जो हमारी ग्रेवी थी वो इसमें डालेंगे, और उसके बाद एंड में पनीर डलेगी। अभी है ना तकरीबन यहाँ पे ये हो चुके हैं, तो उसके बाद अभी हम अपनी ग्रेवी जो है ना वो ऐड करते हैं। जबरदस्त भी है ना, हल्के से इसमें हम शक्कर भी डालेंगे ताकि जो टमाटर की खटास है वो खत्म हो। और अभी 8-10 मिनट है ना इसे ऐसे पकाती रहूंगी ताकि अच्छे से ये ना रेडी हो जाए और नीचे भी ना लगे, तो उसके बाद पनीर ऐड करेंगे। तो अब देखे ये जो ग्रेवी थी ये देखे तकरीबन रेडी हो चुकी है, घी भी इसके ऊपर निकला है, तो अभी इसमें ना हम लोग अपनी पनीर ऐड करते हैं। अभी है ना ऊपर हल्का सा ना गरम मसाला हम डालेंगे, तो अभी है ना हम थोड़ा सा और इसमें मक्खन ऐड करेंगे, ये घर का मक्खन है इसलिए थोड़ा सा ना। तो अभी है ना इसके ऊपर से हम लोग है ना ये देख थोड़ी सी क्रीम भी ऐड करेंगे, तो अभी है ना इसके ऊपर हम धनिया भी बारीक कटा हुआ डाल देते हैं। तो अभी ये कुछ है इसका फाइनल लुक, और दिखने में तो बहुत ही ज़बरदस्त और यमी लग रहा है, और अभी मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम इसकी वीडियो के चक्कर में जो मैं खा रहा हूँ ये वो चीज़। मिस्टेक हुई कि वो मैं चीज़ दूसरी लेकर आ गया, चेडर चीज़ लेकर आ गया, और इसको मैं खाते कोटेड चीज़ बोलते हैं पनीर को, तो ये तो बाद में हुआ, और फिर ये भी नुकसान हो गया। खैर उसको अभी मैंने रख दिया, फिर किसी काम करेंगे, और जिन्हें अभी खैर इसको ट्राई करते हैं। तो वीडियो के दौरान बहुत बार हमें बच्चे इतने तंग कर रहे थे ना कि मतलब वीडियो बनने का दिल ही नहीं करता है यहाँ पर घर में। तो खैर जो है अभी फूड तो हमें रेडी है, चलो अभी ट्राई करते हैं कैसे बनाया मेरी वाइफ ने, और ये भी इसने वीडियो के चक्कर में फर्स्ट टाइम ये चीज़ बनाई है, और देखते हैं कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको भी खाना है तो गैस बिस्मिल्ला। और जींदा है इसका सांस देना पर सूखी हुई थी यार, ये तो बहुत मजे की चीज है। ये तुमने कहाँ से देखी थी? देख लो, आता सब कुछ है, बस बनाती नहीं हूँ। बनाती नहीं हूँ तो फिर आप रात दिन बोलोगे बनाओ बनाओ। नहीं तो ये देखा कहाँ से था? बहुत मजे की चीज है ये, बहुत पहले की मैं बता ये क्या कहने, कब से काजू बादाम ये वो सब डाले जा रही है। लेमन तो छिड़को और भी मजे का लगे। लेमन तो छिड़कता हूँ मैं, बाद में खा लूंगा ना सारा। अच्छा पनीर जो है ना ऐसे लगे जैसे चिकन खा रहे हो, मतलब चिकन की जरूरत नहीं है इसके साथ में, जैसे ये पनीर है तो मतलब लोग जो है इसको पनीर को चिकन के तौर पे यूज करते होंगे, बिल्कुल चिकन के जैसे लग रहा है, और बहुत ही मजे की बनी हुई है। पास है अभी, पास है, पास है अभी इससे इंटरव्यू। और भाई अभी इसको क्या बोलते, शीफ बोलते हैं, शेफ बोलते हैं, शेफ। हाँ भाई शेफ साहब, तो आप तो खैर बहुत कामयाब हो गए, लेकिन 2-3 इसके अंदर गलतियां भी थी, जब एक तो वो चीज का मसला हो गया था, दूसरा जो ना बार बार बच्चे तंग करते थे। तो खैर काफी लोग मुझे डेली बोलते कि अभी आपकी वाइफ को कुकिंग बिल्कुल आती नहीं है, करती मुझे नहीं। भी बोलते करती नहीं हो, करती तो आज की है, तो आपने देख लिया ना 20 बार बच्चों के पास गई। चलो चलो ठीक है, अभी ठीक है। तो गाइस अगर आपको इसकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।